हमारी पृथ्वी बहुत से खूबसूरत रहस्यों से भरी हुई है, ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में जो बहुत ही अद्भुत हैं और देखने में सच में नहीं बल्कि सपना लगती हैं। अगर आप भी इन अनोखी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को देख पाएं। 10. ड्रैगन ब्लड ट्री। कहते हैं कि पेड़ों में भी जान होती है, पर हम इसे एक झूठ मानते हैं। लेकिन अगर ये सच हो तो आप क्या करेंगे? बेशक आप डर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। ऐसा एक रहस्यमय पेड़ है जिसे काटो तो खून निकलता है। इसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जो कि यमन देश के सुकोट्रा शहर में पाया जाता है। इन पेड़ों को जब भी काटा जाता है तो इनमें से खून निकलने लगता है। इस नजारे को देखने के लिए हर साल हजारों टूरिस्ट यमन देश पहुंचते हैं। इस पेड़ की उम्र 650 साल मानी जाती है और इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 मीटर तक होती है। इस पेड़ की लंबाई हर 10 साल में सिर्फ 1 मीटर ही बढ़ती है। इसे एक जादुई पेड़ माना जाता है क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियां इस पेड़ के खून से ठीक हो जाती है। इसके लाल रंग के रस का प्रयोग लोबान नामक पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 9. लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, पर आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी झील के बारे में जिसका रंग गुलाबी है। ये झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा होने का क्या कारण है? ये झील बहुत ही छोटी है, इसका क्षेत्रफल केवल 600 मीटर का है। हिलियर झील में मौजूद डुनालीला सलीना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इसका रंग गुलाबी है, क्योंकि डुनालीला सलीना और झील में मौजूद नमक रेड हेलोफिलिक बैक्टीरिया मिलकर रेड डाई बनाते हैं, जिससे हिलियर झील में मौजूद पानी गुलाबी दिखता है। बता दें, नमक में मौजूद लाल हेलोफिलिक में एक कैरोटीनॉइड होता है जो कि एक विशेष लाल रंग छोड़ता है। इस झील में भारी मात्रा में नमक होने के बावजूद इसमें तैरना सुरक्षित है। आप यहां आराम से स्विमिंग के मजे ले सकते हैं। इस लेक को पिंक लेक या सेलाइन लेक के नाम से भी जाना जाता है। 8. आइस केव, आइसलैंड। दोस्तों, क्या आपने कभी बर्फ की गुफा देखी है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बर्फ की गुफा की सैर कराते हैं। ये एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। ये गुफा यूरोप के एक द्वीप आइसलैंड में मौजूद है। इस गुफा की लंबाई 320 फुट से भी ज्यादा है। ये गुफा ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ से बनी हुई है। ये वास्तव में कुदरत का एक नायाब अजूबा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इतनी ठंडक है कि कोई भी मनुष्य ज्यादा देर तक यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। इस गुफा का रंग कभी सफेद तो कभी नीला नजर आता है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इसकी खूबसूरती लाजवाब है। हर साल हजारों सैलानी आइसलैंड पहुंचते हैं सिर्फ इस बर्फ की गुफा को देखने के लिए। 7. फ्लाई गीजर। फ्लाई गीजर पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है जिसका निर्माण एक किसान के द्वारा अनजाने में हो गया। यह वाक्य अमेरिका के नेवाडा का है, जहाँ एक किसान बंजर भूमि पर खेती करना चाहता था। जब उसने वहाँ खोदना शुरू किया तो काफी खोदने के बाद उसे थोड़ी सफलता मिली, पर यह क्या था? ये पानी तो 200 डिग्री टेम्परेचर पर खौल रहा था। ये नजारा देखकर किसान पूरी तरह घबरा गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब जो हुआ वो तो और भी ज्यादा हैरान कर देगा। धीरे धीरे उस गर्म पानी के गड्ढे ने एक खूबसूरत रंग रूप ले लिया, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके पानी में बहुत ही दुर्लभ मिनरल्स पाए जाते हैं। यह आकाश के नीचे 5 फुट की ऊंचाई तक जाता है। 74 एकड़ का यह क्षेत्र है, जिसमें गीजर 30 से 40 पुलों में पानी निर्वहन है। 6. टर्कोइस आइस लेक। टर्कोइस आइस लेक दुनिया की सबसे पुरानी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये रूस के सबसे ठंडे और दुर्लभ क्षेत्र साइबेरिया में स्थित है। इसके अनोखेपन की वजह है इसे पर्ल ऑफ रशिया का टाइटल भी दिया गया है। यह झील जितनी गहरी है उतना ही गहरा इसका रहस्य है। इस झील का निर्माण लगभग 25 मिलियन साल पहले जमीन के नीचे हुई हलचल और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण हुआ। इस झील की गहराई लगभग 642 मीटर है और इसकी सतह का क्षेत्रफल 31,722 वर्ग किलोमीटर है। और इस झील में बहुत से दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। ये झील सर्दियों में जम जाती है, लेकिन पानी इतना साफ होता है कि बर्फ के अंदर 130 फीट तक आप देख सकते हैं। सर्दियों में हजारों लोग यहाँ आते हैं आइस स्केटिंग करने और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। 5. लेक नैटरन, टैंजेनिया। आपने राजा मीडास की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो जिस चीज को भी छूता है वो सोने की बन जाती है। लेकिन क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर बन जाता है? आज हम आपको एक ऐसी ही झील के बारे में बता रहे हैं। ये है उत्तरी तंजानिया की नेट्रोल लेक। ये झील देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। इसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोजन और एल्कलीन सॉल्ट
और लाइमस्टोन मौजूद होने के कारण ऐसा होता है। लेक का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी में वो तत्व भी पाया गया है जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी ममियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। 4. ग्लो वॉर्म्स केव, न्यूजीलैंड। जरा सोचिए कि एक अंधेरी लंबी सुरंग में अंदर किसी छोर से हल्के नीले रंग की चमकदार रोशनी आ रही है। सोचकर ही कितना रोमांचक लग रहा है ना। असल में ऐसा नजारा आपको न्यूजीलैंड में समुद्र के किनारे पर देखने को मिल सकता है। द वेटोमो ग्लो वॉर्म केव्स न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ग्लो वॉर्म्स देखने को मिलते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट स्पीसीज के होते हैं और केवल यही पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सकें। ये जीव जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं। इसे देखने के लिए यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इन गुफाओं की खोज 18वीं सदी के अंत में हुई थी। इस जगह का सुहाना मौसम पर्यटकों को आकर्षित करता है। 3. इब्राहिम लेक। चलिए आइए खूबसूरत झीलों में एक नाम और जोड़ लेते हैं, इब्राहिम लेक का। ये झील कैनेडियन रॉकी माउंटेन्स के बीच अल्बर्टा में स्थित है। इस झील में मीथेन और बर्फ के जमे हुए बुलबुले दिखाई पड़ते हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये बुलबुले झील के अंदर मौजूद बैक्टीरिया द्वारा तब छोड़े जाते हैं जब वे झील में मौजूद किसी जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। सर्दियों में गैस बुलबुलों के रूप में जम जाती है। बर्फ के ये बुलबुले झील के साफ पानी में सतह से लेकर झील की गहराई तक दिखते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये बुलबुले किसी मीनार की तरह झील की गहराइयों से उठकर ऊपर तक आ गए हैं। झील पूरी तरह से जमी हुई है इसलिए लोग इस पर बैठते चलते हैं, स्केटिंग करते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। 2. टियांजी माउंटेन्स। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है जिसे पूरी दुनिया सन ऑफ हेवन या टियांजी माउंटेन्स के नाम से जानती है। इन पर्वतों को देखकर आप कुछ देर के लिए ही सही पर किसी और दुनिया में चले जाएंगे। इस पूरे इलाके में मार्बल की अनगिनत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसमें से सबसे ऊंची चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई 1262.5 मीटर है। एक अन्य विशेषता यहाँ का मौसम है जो पल पल बदलता है। कभी तो एकदम साफ आकाश हो जाता है तो कभी पूरा इलाका बादलों से भर जाता है। यदि इस वक्त कोई ऊंचाई से देखे तो उसे साइंस फिक्शन मूवी का ऐसा नजारा दिखता है जहां बादलों के ऊपर अनगिनत चोटियां दिखाई देती हैं। चीन की सरकार ने इसे पूरे इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए केबल कार की व्यवस्था कर रखी है तथा पहाड़ियों के सहारे पाथवे भी बना रखा है। 1. नरक का दरवाजा। एक अजूबा तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गाँव में स्थित है डोर टू हेल, यानी कि नरक का दरवाजा। ये एक 230 फुट का गड्ढा है जिसमें 1971 में अब तक लगातार प्राकृतिक आग जल रही है। इस गड्ढे के निर्माण की कहानी भी अनोखी है। आपको बता दें कि ये गांव डेजर्ट एरिया में स्थित है जहां तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए। उन्होंने दरवेज गाँव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू करी, पर ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर बाद ये जगह ढह गई और यहाँ पर 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गड्ढा गहरा बन गया। इस दुर्घटना में कोई जन हानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। इसको रोकने के लिए उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दें या इसमें आग लगा दी जाए। साइंटिस्ट ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और आग लगा दी। तब से लेकर ये आग अब तक जल रही है ना अजूबा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बेहतरीन अजूबे। क्या आप इन जगहों पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस देखना ना भूलिएगा।